हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सोनपुर गांव की रहने वाली सुरसुरी अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रही थी। एक रोज वो अपने आंगन में झाड़ू लगा रही होती है, तभी उसकी पड़ोसन कमली एक छोटी सी टोकरी में गोभी लिए उसके घर आती है, तो सुरसुरी उसे देखकर कहती है, अरे क्या बात है कमली, गोभी बेचने निकली है क्या? बेचने ना पगली, तो कम मुफ्त में देने आए हैं, इले सब्जी बनाई के खा लियो। अरे लेकिन इतनी मेहरबानी क्यों कमली? काहे की मेहरबानी, अब मेरे घर वाले गोभी खाकर राजी नहीं है तो तुझे पकड़ाने आ गई। का बात करती है सुरसुरी, तू भी कभी हलवा मालपुआ हमारे घर दे जाती है, तो हम भी सोचे तो तुझे ही गोभी दे दे, ले पकड़। कमली वो गोभी की टोकरी उसे पकड़ा जाती है जिसमें 5 से 6 गोभी रखी थी और वहाँ से चली जाती है। शाम के समय चाय बनाते हुए सुरसुरी की नजर गोभी पर पड़ती है, तो वो उन गोभी के पकौड़े बना देती है और चाय के साथ अपनी सास को खाने के लिए देती है। गोभी के पकौड़ों को देखकर उसकी सास सरोजा कहती है, बहू ये गोभी के पकौड़े कौन दे गया? कोई दे नहीं गया सासुमा, मैंने बनाए हैं। तूने बनाए हैं? लेकिन कैसे, क्योंकि घर में तो गोभी तो क्या कोई भी सब्जी नहीं है। हाँ वो सुबह ही कमली 4-5 गोभियाँ देकर चली गई, तो मैंने सोचा पकोड़े ही बना देती हूँ। वो कमली देकर गई थी? बहुत तेज तबीयत ठीक है ना? अरे वो चंट किसी को मुफ्त में बुखार ना दे, तो 4-5 गोभी कैसे देकर चली गई? जरूर ये कीड़े वाली गोभी होगी। सासू माँ क्या बोले जा रही हो, गोभी बिल्कुल ताज़ा है, तभी तो मैंने पकोड़े बनाए हैं, आप खाओ ना। हाँ खा ही लेते हैं, वैसे भी बहुत दिनों बाद गोभी के पकोड़े बनाए। दोनों सास बहू गोभी के पकोड़े के साथ चाय की चुस्की लेती हैं। समय बीतता है और कुछ दिनों में कभी गोभी की सब्जी तो कभी पकोड़े बनाकर सुरसुरी कमली की दी हुई सारी गोभियों को निपटा देती है। एक शाम सुरसुरी का पति राजीव अपने दोस्तों को लेकर घर आता है और सुरसुरी को आवाज लगाते हुए कहता है, सुरसुरी अरे कहाँ हो, जरा पानी लेकर आओ, मेहमान आए हैं। अभी लाई जी। कुछ ही देर में सुरसुरी सबके लिए पानी लेकर आती है और फिर उनके लिए चाय नाश्ता बनाने वो रसोई में चली जाती है। तभी राजीव का एक दोस्त नंदू कहता है, राजीव भैया जरा भाभी के हाथ के बने पकोड़े खाने को मिल जाते तो मजा आ जाता। अरे नंदू भाई घर आए हो तो आपकी फरमाइश जरूर पूरी करेंगे, बताओ कौन से पकोड़े बनवाऊं, आलू के, प्याज के, बेसन के, कौन से खाओगे? अरे हमें तो गोभी के पकोड़े भाते हैं, वो मिल जाए तो बहुत है। तभी राजीव सुरसुरी से गोभी के पकोड़े बनाने को कहता है, तो सुरसुरी परेशान हो जाती है क्योंकि घर में सारी सब्जियां थी सिवाय गोभी के। उसकी सास भी घर पर नहीं थी, तो वो झट से अपनी पड़ोसन के घर जाने लगती है। तभी गली में उसे एक सब्जी वाली नजर आती है, तो उसके ठेले पर गोभियां देखकर वो जल्दी से उसके पास जाती है। अरे बहन गोभी क्या भाव दी है? 10 की 2.5 किलो, बोलो कितनी करूं? इतनी सस्ती कब से होगी गोभी? अरे बहन जी अभी सभी जगह गोभी की बहुत भरमार है, इस वजह से बाजार में भी बहुत सस्ती गोभी है। लेकिन 2.5 किलो गोभी का मैं क्या करूंगी? अरे अभी सस्ती है तो भर लो, पकोड़े बना कर खा लेना या अचार बनाने के लिए सुखा कर डाल देना, और क्या। ठीक है दे दो जल्दी। तभी सुरसुरी जल्दी जल्दी में 2.5 किलो गोभी लेकर घर आती है और फटाफट से पकोड़े बनाकर राजीव के दोस्तों को खाने के लिए देती है। कुछ देर में उसके दोस्त चले जाते हैं और तभी उसकी सास बाहर से आती है और प्लेट में पड़े गोभी के पकोड़ों को देखकर अपनी बहू से कहती है, क्या बात है बहू, तू आजकल बहुत चटोरी हुई जा रही है, फिर तूने गोभी के पकोड़े बनाए? वो माँ मेरे दोस्त आए थे ना, तो उनके लिए सुरसुरी ने बनाए थे पकोड़े। हाँ सासू माँ देखिए ना, इनके दोस्त के चक्कर में फिर से घर में 2.5 किलो गोभी आई है और ये गोभी के पकोड़े मुझे तलने पड़े। कुछ भी कहो माँ, सुरसुरी के गोभी के पकोड़े बहुत ही अच्छे बनते हैं, खा कर तो मजा ही आ जाता है। अरे बहू तो सब कुछ ही अच्छा बनाती है, लेकिन बहू पकोड़े बनाने के खातिर 2.5 किलो गोभी लेकर आई है, पर क्यों लाई है बहू? क्या करूँ सासू माँ, गोभी सस्ती ही इतनी थी तो जल्दी जल्दी में मैंने ले ली, आपके लिए भी पकोड़े रखे हैं, अभी लाती हूँ। सरोजा कुछ कहती इससे पहले ही सुरसुरी उसके लिए पकोड़े लेने चली जाती है। समय बीतता है और अब सुरसुरी सुबह शाम चाय के साथ गोभी के पकोड़े बना दिया करती थी, जिससे सरोजा गोभी के पकोड़े खा खा कर ऊब जाती थी।
और रसोई में पड़ी सारी गोभियाँ कचरे के डब्बे में डाल देती है। ये देख कर सुरसुरी कहती है, सासू माँ गोभी खराब हो गई थी क्या जो आपने इस तरह फेंक दी? गोभी तो खराब नहीं हुई थी बहू, लेकिन गोभी के पकोड़े खा खा कर मेरा जी खराब हो गया है। तुझे क्या, तू तो तल कर परोस देती है, खाने तो मुझे पड़ते है ना। हाँ तो क्या गलत करती हूँ, कम से कम आपकी तरह सब्जियाँ बर्बाद तो नहीं करती ना, ऊपर से आपको ही कुछ अच्छा खाने को देती हूँ ना। बस कर बहू, तेरा दिल करे तू बना कर खाए गोभी के पकौड़े, लेकिन मुझे मत खिला। ठीक है यहाँ तो बनाओ तो परेशानी, ना बनाओ तो दिक्कत। ससुरी गुस्से में वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद से वो घर में गोभी के पकौड़े ना ही बनाती और ना ही खाती। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज सभी घर वाले आंगन में बैठे बातें कर रहे होते हैं, तभी एक भारी सा थैला लिए एक मोटी सी औरत उनके घर आती है, पर आते ही चिल्ला कर कहती है, सरोजा, ओ सरोजा, का हाल चाल बा? अरे दीदी आप यहाँ अचानक? का हुआ, हमको देखकर खुशी नहीं हुई तो का? नहीं नहीं कैसी बात करती हो, वो दूसरे गांव से तुम इस गांव मुझसे मिलने आओगी वो सोचा नहीं था। अरे बच्चों बैठे क्यों हो, अपनी काकी का आशीर्वाद लो। सरोजा के कहने पर सुरसुरी और राजीव अपनी काकी का आशीर्वाद लेते हैं, तो सुरसुरी की नज़र काकी के थैले पर पड़ती है। वो थैले में झांक ही रही होती है, तभी उसकी काकी कहती है, ए बहुरिया का झाकत है? अरे ये थैले में तुम सबके लिए अपने खेतन की ताजी ताजी गोभियां लेकर आई है, ये देखो। इतना कहकर काकी थैला आगे करके दिखाती है, तो उसमें ढेर सारी गोभियां भरी होती हैं, जिसे देखकर दोनों सास बहू पहले तो काकी को घूरती हैं और फिर एक दूसरे को देखती हैं। उनका ऐसा चेहरा देखकर काकी कहती है, का हो गवा, तुम सास बहू कन मुंह काहे लटक गवा है? काकी जी भला सब्जी लेकर कोई किसी के घर जाता है क्या, वो भी खासकर गोभी, आप कुछ और भी ला सकती थी ना। अरे कितनी सुंदर सब्जी है बहुरिया, इसकी सब्जी अचार पकोड़ा हम तो सब खा लेते हैं, चल यही बात पर गोभी के पकोड़ा बना ले जरा। हाँ हाँ सुरसुरी तो एक्सपर्ट है गोभी के पकोड़े बनाने में, जाओ सुरसुरी। तभी राजीव गोभी से भरा थैला अंदर ले जाता है और सुरसुरी को ना चाहते हुए भी इस बार गोभी के पकोड़े बनाने पड़ते हैं, और बनाने के बाद सरोजा को ना चाहते हुए भी खाने पड़ते हैं। एक रोज कमली घबराई हुई उनके घर आती है, तो सरोजा कहती है, क्या हुआ कमली, ऐसी हालत क्यों हुई है? अरे का बताए चाची, हम गलती से कीड़े वाली गोभी की सब्जी बना दिए और वही खाकर हमारे बिट्टू को उल्टी पर उल्टी हो रही है। राजीव भैया को कहिए ना अपनी बाइक पर जरा हमें अस्पताल छोड़ दे। गोभी के कीड़े से उल्टी? हाँ सुरसुरी बहन, हम भी पागल हैं जो ध्यान नहीं दिए। ठीक है घबराओ नहीं, मैं राजीव जी को कह देती हूँ। तभी कुछ देर में राजीव कमली के साथ चला जाता है। कमली की बातें सुनकर सुरसुरी को चिंता हो जाती है और वो रसोई में जाकर सारी गोभियों को काट काट कर किसी में कीड़े तो नहीं है ये देखने लगती है, जिसके चक्कर में वो सारी गोभियों को एक साथ ही काट देती है। ये देखकर उसकी सास कहती है, ओ गोभी के पकोड़े बनाने वाली, अब क्या गोभी का हलवा बनाने की तैयारी कर रही है? नहीं कहीं किसी गोभी में कीड़े तो नहीं है यही देख रही हूँ। अरे पगली तू भी ना बहुत जल्दी घबरा जाती है, वैसे अच्छा किया तूने सारी गोभी एक साथ काट दी, क्योंकि तूने जिस तरह से गोभी काटी है इसी बहाने कम से कम ना कटी गोभी के पकोड़े नहीं बनाएगी और ना ही मुझे खाने पड़ेंगे। इतना कहकर वो सारी कटी हुई गोभी उठाकर गली में गाय के सामने डाल देती है, जिसके बाद कुछ दिनों तक उनके घर में ना गोभी आती है और ना ही गोभी के पकौड़े बनते हैं। अनुज अपने दोस्त पंकज के साथ एक पार्टी में जाता है, जहां उसकी नजर अपने चेहरे को नकाब से ढके हुए रश्मिका नाम की एक लड़की पर जाती है, जो किसी लड़की से बात कर रही होती है। क्योंकि रश्मिका का चेहरा नकाब से ढका हुआ था तो अनुज बस उसकी आंखों को ही देख पाता है और मन ही मन में सोचता है, कितनी खूबसूरत आंखें हैं ये, ऐसा लगता है जैसे कोई ख्वाब देख रहा हूँ, दिल करता है बस देखता जाऊँ और देखता ही जाऊँ। अनुज ये सब सोच ही रहा होता है कि इतने में उसकी आंखों के आगे से रश्मिका ओझल हो जाती है। कुछ वक्त बाद वो पार्टी से घर वापस आता है और ऐसे ही थोड़ा समय बीत जाता है और एक दिन
अनुज को रश्मिका उसके घर के पास से कुछ सामान लेते हुए नजर आती है। वो उसे देखकर उसके पास जाकर बोलता है, हेलो सुनिए। जी कहिए। मेरा नाम अनुज है, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं कुछ देर आपसे बात कर सकता हूँ? जी कहिए, क्या बात करनी है आपको मुझसे? जी मैंने आपको उस दिन पार्टी में देखा था, तब से ही आपसे बात करना चाहता था। जी जी कहिए ना, क्या हुआ? जी बस यही कि क्या हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं, अगर आप चाहें तो बस दोस्त? जी ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जी ठीक है, कल मैं शाम 4 बजे आपका यहीं पास वाले CCD में वेट करूंगा। अनुज की बात सुनकर रश्मिका हल्का सा मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है और अगले दिन वो ठीक 4 बजे CCD में अनुज से मिलने आती है और दोनों साथ में काफी देर तक बातें करते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और दोनों की बातों और मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगता है। धीरे धीरे दोनों ही एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन दोनों एक पार्क में बैठे होते हैं, तभी अनुज रश्मिका को बोलता है, रश्मिका मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता, क्या तुम मेरे साथ अपना सारा जीवन बिताने के लिए तैयार हो? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। पर क्यों रश्मिका, क्या कोई कमी है मेरे प्यार में, बोलो। नहीं अनुज, कमी तुम में नहीं, कमी तो मुझ में है। इतना कहकर रश्मिका अपने चेहरे पर से नकाब हटाती है और उसका चेहरा एक तरफ से जला हुआ होता है, जिसके बाद रश्मिका बोलती है, यही है मेरी कमी, मैंने तुम्हें आज तक नहीं बताया और ना ही दिखाया, बोलो क्या अब भी तुम मुझसे प्यार करते हो? अनुज रश्मिका के आंसू पोंछता है और फिर उसे वापस से नकाब पहना देता है और बोलता है, रश्मिका मैं ये सब पहले से ही जानता हूँ और ये कैसे हुआ ये भी जानता हूँ, और मुझे सच कहूँ तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस तुम और तुम्हारा साथ चाहिए, वो भी हमेशा के लिए, तो बोलो बनोगी मेरी जीवन संगिनी? हाँ अनुज, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारी जीवन संगिनी बनने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। कुछ समय बाद दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अनुज रश्मिका को अपनी पत्नी बनाकर अपने साथ अपने घर लाता है, जहाँ अनुज की माँ निशा अपने बेटे के साथ दुल्हन के जोड़े में खड़ी लड़की को देखकर बोलती है, अनुज ये सब क्या है, ये लड़की कौन है और किसकी औरत को भगाकर ले आया नलायक? माँ भगाकर किसी को नहीं लाया हूँ, ये मेरी पत्नी आपकी बहू रश्मिका है, हम दोनों ने कोर्ट मैरिज की है। अरे नलायक, कम से कम एक बार बता ही देता, चल अब शादी कर ही ली है तो जरा बहू का चेहरा देखने दे। इतना कहकर निशा जैसे ही रश्मिका का घूंघट हटाती है तो वो उसके चेहरे पर नकाब देखकर बोलती है, अनुज तूने मुसलमानी से शादी कर ली है क्या, ये नकाब क्यों पहना है इसने? अरे माँ वो इसको थोड़ा सर्दी जुखाम हो गया था तो बस इसीलिए। अच्छा ठीक है, चलो अब तुम दोनों आराम कर लो, थक गए होगे। अनुज रश्मिका का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले आता है और तभी रश्मिका बोलती है, अनुज हम कब तक माँ जी से सच यूं ही छुपाते रहेंगे? देखो रश्मिका, मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस वक्त बहुत बुरा लग रहा होगा, पर क्या करूँ, सही वक्त आने पर मैं माँ जी को सब कुछ बता दूंगा, तब तक तुम बस माँ जी से अपना चेहरा छुपा कर रखना। ठीक है अनुज, जैसा तुम कहो वैसा ही मैं करूँगी। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। रश्मिका अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभालती है, पर हमेशा ही वो अपने चेहरे को नकाब से ढक कर रखती। ऐसे ही एक दिन निशा उससे बोलती है, अरे बहू एक बात बता जरा। जी माँ जी कहिए, क्या हुआ? रश्मिका बहू, मुझे समझ नहीं आता कि तू जब से आई है अपना ये चेहरा ढक कर क्यों रखती है, बता मुझे। जी माँ जी, वो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती ना, तो इस वजह से मुझे कोई भी वायरस जल्दी से पकड़ लेता है। ओहो बड़ी ही नाजुक कली है तू तो, अब कल को मैं तेरी मुंह दिखाई करवाऊंगी तो कैसे काम चलेगा, तब तो ये नकाब हटाना ही होगा तुझे। ठीक है, जिस दिन आप मुंह दिखाई की रस्म करेंगी मैं नकाब उतार दूंगी। इतना कहकर रश्मिका वहाँ से चली जाती है। रश्मिका अपनी मुंह दिखाई की बात सुनकर परेशान हो जाती है। शाम को जैसे ही अनुज घर आता है तो रश्मिका को ऐसे उदास देखकर बोलता है, रश्मिका क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? परेशान इसलिए हूँ क्योंकि माँ जी मेरी मुंह दिखाई की रस्म कर रही हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको मुझ पर शक हो गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि माँ जी को जब सब कुछ सच पता चल जाएगा तो क्या होगा।
रश्मिका, मुझे लगता है कि अब सब भगवान पर छोड़ देना चाहिए। जो होगा देखा जाएगा। आगे मैं हर पल हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ, तुम चिंता मत करो। रश्मिका नम आँखों से अनुज के गले लग जाती है, तो वही निशा खुद से बोलती है, कुछ तो बात जरूर है जो मेरी बहू और बेटा मुझसे छुपा रहे हैं। अब तो मैं पता करके रहूंगी कि क्या बात है। इतना सोचकर निशा रश्मिका की मुंह दिखाई की तैयारियां शुरू कर देती है। निशा अपनी सभी पड़ोसियों के घर जाकर मिठाई के डब्बे बांटती है और उनको अपने घर आने का न्योता देती है और शाम को घर वापस आती है। तभी वो रश्मिका से बोलती है, रश्मिका बहू मेरी बात सुन, कल तेरी मुंह दिखाई है, मैंने सभी आस पड़ोस की औरतों को न्योता दे दिया है, कल सबके साथ मैं भी अपनी बहू का पहली बार चेहरा देख लूंगी। अपनी सास की बात सुनकर रश्मिका बिना कुछ कहे ही वहाँ से चली जाती है और कल की तैयारियों में लग जाती है। अगले दिन निशा सारे घर की सजावट करवाती है। धीरे धीरे सारा घर मेहमानों से भर जाता है। सभी को बस रश्मिका के आने का इंतजार था। तभी घूंघट किए हुए रश्मिका अनुज के साथ वहाँ आती है और सभी के सामने अपना घूंघट उठाती है, जिसके बाद घर में मौजूद सभी मेहमान और निशा रश्मिका का जला हुआ चेहरा देख लेते हैं और तरह तरह की बातें करने लगते हैं, जिस पर रश्मिका बोलती है, माँ जी मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है कि मैंने आपको सच नहीं बताया, पर मैं क्या करती माँ जी, मुझे अनुज जी ने सब कुछ बताने से मना किया था। माँ जी मेरी यही कमी है जिस वजह से मैं हमेशा अपना चेहरा नकाब से छुपा कर रखती थी, पर आज मैं सबके सामने आपसे अपनी गलती की माफ़ी मांगती हूँ। निशा की बात सुनकर सब लोग रश्मिका की मुंह दिखाई की रस्म शुरू करते हैं और कुछ देर बाद मेहमान अपने अपने घर चले जाते हैं और अब रश्मिका केवल तभी नकाब लगाती जब उसे कहीं बाहर जाना होता। और इस तरह हमारी नकाब पोश बहू की कहानी खत्म होती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।